बोले कि दोस्तों अभी सुबह के एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं, मैं जस्ट 5 या 10 मिनट पहले उठा हूँ और आज मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन है। तो सबसे बड़ा इशू क्या है कि रात में सोते हुए मेरे को अराउंड कल 2 बज गए, और सोने के बाद अभी मैंने सुबह देखा तो जो हमारे एडिटर है शरण भाई, उनका मैसेज आया है कि जो वीडियो उन्होंने कल एडिट करी है वो पता नहीं कैसे प्रीमियर प्रो से उड़ गई है। तो अभी मेरे को दोबारा से एडिटिंग पे बैठना पड़ेगा। आज आज संडे है तो आज मेरा चीट डे रहेगा पूरा, कंप्लीटली थ्रू आउट द डे मेरे को वो जनरल चीज़ें करनी होंगी, जिसमें एक है कि मेरे को अपने हेयर वॉश करना है, बाल धोने पड़ेंगे आज, तो थोड़ा टीडियस टास्क है, थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है बाल वगैरह धोने में मेरे को। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मैं बैठ रहा हूँ स्ट्रेट अप वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि मेरे को आज कंटेंट डालना था, बट मुझे मैं हमें श्योर नहीं हूँ कि कब तक मैं वीडियो कंटेंट डाल पाऊँगा, क्योंकि वीडियो दोबारा स्टार्टिंग से एडिट करनी पड़ेगी मेरे को। और अभी शरण भाई पॉसिबली सो रहे होंगे तो मेरे ख्याल से वो फ़ोन नहीं उठा रहे। और आज चीट डे है जैसे मैंने पहले बताया, तो आज मैं शायद छोले भटूरे खाने जाऊँगा, और उसके अलावा मैं अभी जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने। और सबसे पहले मैं अपने बेसिक काम जो है ब्रश वगैरह और मुंह धो लेता हूँ एक बार, उसके बाद आई विल गो स्ट्रेट अप और सीधा मैं काम पर बैठूँगा दोबारा से। ऑलरेडी मुझे काफ़ी देर हो गई है, बड़ी पता नहीं मेरी किस्मत इतनी ख़राब की चल रही है, बहुत देर से मैं बैठा हुआ था, पानी नहीं आ रहा है, मैं बाल नहीं धो पाया उसकी वजह से। तो मेरा डेटा फाइनली अभी ट्रांसफ़र हुआ है, तो अभी मेरे को अपना फ़ोन का एक्सेस मिला है। अभी मैं बाकी काम फटाफट निपटाऊंगा, और थोड़े से बर्तन गंदे पड़े हुए हैं तो मेरे को भी बर्तन वॉश करने पड़ेंगे सारे के सारे। ये अभी करंट कंडीशन है, तो मेरे को सारे बर्तन वगैरह भी सारे के सारे सब कुछ साफ़ करना है। और आज मैं टाइम से ऑलरेडी बॉडी ले चल रहा हूँ, वीडियो में अभी एडिट करने के लिए बैठूंगा। शरण से मेरी बात हुई है वगैरह कि अभी मैं आ रहा हूँ, हम लोग उसने भाई ने दोबारा से वीडियो एडिट करी है, तो अभी करेंटली आज का ब्लॉग भी पता नहीं इतना हेक्टिक चल रहा है। संडे था आज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी जगहों पर मैं विजिट करूँगा, और आज मेरे को जिम और खेलने दोनों नहीं जाना होता, तो शाम को मैंने सोचा था कि शायद मैं भाई लोगों के साथ बैठूंगा थोड़ा इधर उधर। अब बट अभी मेरे को लेट इतना हो गया, मैंने बाल भी नहीं धोए और मेरे को बाल भी धोने हैं, और पानी नहीं आ रहा था, अभी फाइनली पानी आया है, तो मैं बाल धोऊंगा, बर्तन धोना है, सब कुछ करना है, सब सामान फैला हुआ है, साफ़ सफाई करनी है, तो बस ये करके फटाफट निपटाते हैं और उसके बाद देखते हैं आज बाहर का क्या सीन बनता है, कि अगर हम शायद पॉसिबली शाम को घूमने जाए तो लेट्स सी। एनीवे ऑलरेडी मुझे काफ़ी लेट हो चुका है, और एक बहुत मेजर इशू है अभी कि मेरे को काम भी करना है और बहुत सारी चीज़ें साफ़ सफाई भी करनी है अभी। इसके अलावा मेरे को जो मैं रेगुलर काम करता हूँ मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। और लेट्स सी कि अभी कैसे क्या आगे फंक्शन करना है, पता नहीं क्या आज क्यों चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं सडनली। लेट्स सी। तो आपको क्या लगता है कि मेरे को अपना व्लॉग का ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ प्रेफरेबली जो व्लॉग का ड्यूरेशन रहता है वो दैट शुड बी अराउंड 20 मिनट्स, 20 मिनट के अराउंड व्लॉग का सेशन रहना चाहिए जिसमें मैं सारी की सारी चीज़ें कवर कर लूँ। बट जो व्लॉग्स हैं मेरे जनरली वो थोड़े से लॉन्गर जा रहे हैं, लंबी थोड़ी सी उनकी जो वीडियो बन रही है वो अराउंड 28 से 30 मिनट के अराउंड के मेरे व्लॉग्स अभी बन रहे हैं। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि जो कंटेंट का साइज़ है वो मैं कितना लंबा रखूँ। अगर आप लोग मेरे को आइडिया दे सकते हो उसके रिगार्डिंग कि आप लोग कितने मिनट के व्लॉग देखना पसंद करते हो, दैट वुड बी रियली थैंकफुल। आई वुड बी रियली थैंकफुल, एंड वो बहुत ज़्यादा दैट विल बी रियली हेल्पफुल एज वेल, मेरे लिए बहुत मदद हो जाएगी। तो डू लेट मी नो, कमेंट करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप जनरली कितने मिनट के व्लॉग्स देखना पसंद करते हो। क्या चीज़? ये तो है भाई, नो डाउट शरण भाई आ गए हैं अपना,
अब हम लोग कंटेंट एडिट करने वाले हैं भाई के साथ बैठ के। कल का आज का हमारा व्लॉग लेट हो गया है, और कोई बात नहीं, जिस दिन डालना चालू करूँगा उसके बाद नहीं रुकूँगा, इस चीज़ की गारंटी ज़रूर देता हूँ। ये पहली बार हम लोग शूट कर रहे हैं, तो ये जर्नी ही कंटेंट क्रिएटर कैसे, मतलब कैसी एक लाइफ होती है कंटेंट क्रिएटर की, तो लेट्स सी। अभी ये चीज़ें भी हमें रियलाइज़ हो रही हैं धीरे धीरे, थोड़ी सी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमें चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। और फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करने में भी हमें दिक्कत हुई, सरकमस्टेंसेस पता नहीं क्यों बिल्कुल ही साथ में नहीं चल रहे हैं। पर आज भी पानी नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद दूसरी दिक्कत आ गई, डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। कल डेटा ट्रांसफ़र किया, वीडियो एडिट करी, वीडियो ही उड़ गई। अब दोबारा से मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया तो भाई ने थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करी है, उस चीज़ को हम लोग फाइनल एडिट कर रहे हैं। और अभी का भी कंटेंट जो है, आज तो चीट डे था, आज मैंने प्लान बहुत कुछ किया था कि बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट अभी मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ अभी तक। ना मैंने अपने बाल धोए हैं, ना मैंने बस अभी तक साफ़ सफाई भी नहीं करी है घर की, सिर्फ बर्तन धुले हैं अभी तक, और उसके बाद मेरे को कपड़े वगैरह भी धोने थे, बट अब वही है। मैंने जैसे बोला था 1 घंटे के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि सारी की सारी चीज़ें पुल आउट कर दूँ, फटाफट खींच के काम करा जाए, तो वही है। अभी मैं फटाफट काम करता हूँ, तब तक शरण भाई एडिट पे बैठे हैं, शरण भाई एक्सपर्ट है तो उन्हें पता है क्या चीज़ एडिट करनी है क्या चीज़ नहीं एडिट करनी है। अगर आपको एडिट पसंद आए तो शरण भाई को गाली देना कमेंट्स में, और मिलते हैं फटाफट। ये देख लो शरण भाई कर रहे हैं एडिट। तो लंच के लिए मैंने राजमा चावल ऑर्डर कर दिए हैं, उसके अलावा मैं अभी फटाक से अपना एक स्कूप प्रोटीन का ले रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरा जो अपना बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो कंप्लीट हो जाए। चीट मील आप कर रहे हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर मॉनिटर करनी है कि आप एटलीस्ट अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कंप्लीट कर लो, और कैलोरीज थोड़ी बहुत आज अगर ऊपर भी जाएंगी तो मेरे को कोई इशू नहीं है। और मंडे को क्योंकि मैं कार्डियो सेशन भी करूँगा तो मेरा जो वो है एक्सपेंडिचर है कैलोरीज का वो कंपेरेटिवली हायर रहेगा। मंडे को मेरा थोड़ा सा हैवी वर्कआउट रहेगा क्योंकि मंडे को मैं लेग्स शोल्डर और कार्डियो तीनों तीनों चीज़ें करने वाला हूँ। नहीं, मंडे को मैं चेस्ट ट्राइसेप्स और कार्डियो करने वाला हूँ, और थोड़ा बहुत एब्स का सेशन भी मैं करूँगा, कोर का सेशन। तो अभी मैं फटाफट अपना क्रिएटिन और उसके अलावा मल्टी विटामिन्स फिश ऑयल और कैल्शियम भी ले रहा हूँ अलॉन्ग विथ प्रोटीन फटाफट। मैं जो क्रिएटिन है ये वैसे तो फ्लेवर्ड है, बट मैं इसे प्रोटीन में ही मिला के पी ले रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि जो क्रिएटिन की साइकिल होती है सैचुरेट होने में वो अराउंड 14 से 15 दिन लेती है। आप 5, कई लोग क्रिएटिन लोड करते हैं बट जनरली उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आप 5 ग्राम के अराउंड, 3 से 5 ग्राम के अराउंड अगर क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो 14 से 21 दिन की जो अंदर जो होता है क्रिएटिन आपका सेचूरेट हो जाता है बॉडी में, और उसके बाद आपको बस रेगुलरली 5 ग्राम क्रिएटिन लेना होता है। अब 10 से 12 दिन के अंदर मेरे को जनरली रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, हर बंदे के लिए ये चीज़ अलग हो सकती है, बट इन जनरल यही होता है कि आप जो 13-14 दिन के अंदर आपको क्रिएटिन के इफेक्ट दिखने लग जाएंगे, और आपका जो मसल फटीग है वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है, आप जो लोड उठा रहे होते हो वो कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। और ये मैंने ले लिए हैं आज के मल्टीविटामिन्स, तो ये मेरी मेरी विटामिन की गोली है, इसके अलावा ये फिश ऑयल है, और मैं लूँगा एक गोली कैल्शियम की। तो बेसिक मल्टीविटामिन्स अभी मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा कुछ मैं अभी कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ मल्टीविटामिन्स के लिए, और इसके अलावा ये अपना प्रोटीन है, और अभी इसके बाद मैं राजमा चावल और कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। हाँ शरण भाई खाए हैं कचौड़ी आज चीट मील पे, हमारे लिए लाए नहीं है कचौड़ी, अकेले पहली सारी की सारी कचौड़ी। सुबह कॉल भाई को मैंने कॉल करी, हाँ सारा व्लॉग फिटनेस विटनेस फलाना ढिमकाना, कल खेलने वाली भी आपकी क्लिप्स ली हुई है 2-3, भाई ने कल शॉट मिस करें जो आपने, सब डलेंगे वो कहीं आप सोच रहे हो ना डल रहे हैं। तो राज भाई बहुत टाइम बाद खेल रहे थे, राज भाई से जान नहीं रहे थे शॉट, राज भाई की हो गई उम्र। आज सुबह सुबह बुड्ढों के बीच गए थे खेलने के लिए राज भाई, वहाँ पे भी जो बुजुर्ग खिलाड़ी हैं उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा करके भेज दिया आज इन्हें,
सुबह से लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे थे, सब रिकॉर्डेड है। राज भैया ध्वस्त थे, खेल के आया उसके बाद 2-3 घंटे डेड, फिर उठे खाना खाया फिर 2-3 घंटे डेड। ऐसी है भाई, बहुत टाइम बाद खेलो तो हीरो नहीं बनना चाहिए। और ये सोच लो कि आप 50-60 साल के लोगों के साथ खेलो और उनको हरा दो जो रेगुलर खेल रहा है, तो ये भी केस नहीं होता चाहे आप कितना अच्छा खेलते हो। पानी नहीं आ रहा क्या कह रहे हो भाई? तो नॉर्मल वाटर नहीं मिलेगा पानी का? नहीं आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा। बोतल ही बोतल। रेगुलर वाटर आप देते नहीं हो यहाँ पे? तो भाई ने बोल दिया कौन सा रेस्टोरेंट है, मंजीत रेस्टोरेंट। यहाँ भाई ने हमें खिला दिया है प्याज और हरी चटनी, मेन डिश। सुन के आप लोग जाओगे हैरान, क्योंकि हमने मंगाया आगा नूडल्स, तो पता नहीं भाई ने कच्चा प्याज और चटनी क्यों दी है। देख लो भाई, ये आज का चीट मील है अपना, हाका नूडल्स, वेज हाका नूडल्स और ये शाही टुकड़ा। राज भाई ने पेल लिया सारा का सारा, रुक ही नहीं रहे हैं। मेरे से भी खा रहे भाई, प्याज भी पेल दिया डाइट के नाम पे। दोस्तों आज हमें मिली पानी की बोतल फ्री, साथ में खाया हमने दो शाही के टुकड़े और क्या खाया हमने, इसके अलावा खाया हमने हाका नूडल्स। अब हम जा रहे हैं बर्गर खाने मैगी की ओर। आज कंप्लीट चीट डे चल रहा है, आज मैं बाल भी नहीं धो पाया फाइनली अपने। अब ये बाल धोने का मिशन मेरा कल ट्रांसफर हो जाएगा। ये चल रही है अपनी लास्ट मील, बटर चिकन बर्गर और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। और राज भाई ने पेल लिया मैं आलू टिक्की अपना पूरा का पूरा 2 मिनट के अंदर। अभी अराउंड 10:30 बज रहे हैं, मैं मंजीत रेस्टोरेंट गया था, फिर उसके बाद मैं गया था अपना मैकडी। मैकडी में मैंने खाना पीना खाया, आज पूरी कम्प्लीटली चीट मील चली है थ्रू आउट द डे। और अभी इसके बाद मेरे को जाना है अपना क्या बोलते हैं वीडियो शूट करने के लिए फटाफट। जो मैं काम करता हूँ बेसिकली, मैं अभी करंटली बेसोलिक्स म्यूज़िक के साथ फंक्शन कर रहा हूँ एज अ मैनेजर, वहाँ पर मैं मैनेज करता हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो अभी मेरे को एक वीडियो शूट के लिए जाना है अभी स्टूडियो तुरंत। और एक फनी इंसिडेंट हुआ, मैं अभी जब मंजीत रेस्टोरेंट में था तो एक क्लिप भी मैंने इसमें डाली हुई है। तो मैंने जो वहाँ का सर्वर था उससे पूछा कि क्या आप लोग पानी सर्व करते हैं, तो आई डोंट नो व्हाई बट रेस्टोरेंट वाले क्या चीज़ करते हैं कि आपको ज़बरदस्ती पानी की बॉटल चेप देते हैं। और इवन अगर आप पानी नहीं खरीदना चाहते हो तब भी वो ज़बरदस्ती आपको बोलेंगे कि परचेज अ बॉटल। बट टेक्निकली अगर कोई भी रेस्टोरेंट है इंडिया के अंदर तो उन्हें वाटर सर्विसेज अवेलेबल रखनी ही होती है, ऐसा वो नहीं कर सकते कि डेफिनेटली वो लोग ऑप्शन दे सकते हैं कि आपने नॉर्मल वाटर पीना है या फिर क्या बोलते हैं मिनरल वाटर पीना है। बट अगर आप डायरेक्टली इनसे पूछोगे कि मेरे को रेगुलर वाटर दे, तो कोई भी रेस्टोरेंट आपको मना नहीं कर सकता कि हम लोग रेगुलर वाटर रखते ही नहीं है उस सिनेरियो में। अगर वो एक डाइनिंग रेस्टोरेंट है, टेक अवे रेस्टोरेंट, वो कम्प्लीटली डिफरेंट केस हो जाता है। बट अगर एक डाइनिंग रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर आप पानी के लिए बोल सकते हो और जो वहाँ का सर्वर है उसे आपको पानी प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा लॉ के हिसाब से। किसी भी बंदे को मना नहीं कर सकते आप फोर्सफुली, किसी भी आदमी को आप कोई भी सामान बेच नहीं सकते कि नहीं भाई आपको पानी लेना ही पड़ेगा मिनरल वाटर अगर आपको पानी पीना है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने भाई की वीडियो बनाई जैसी, और मैं तो जनरली ब्लॉग के लिए ही वीडियो कंटेंट बना रहा था, तो मैंने भाई की वीडियो बनाई। तो उसके बाद भाई ने और जो रेस्टोरेंट वाले थे उन्होंने कम्प्लीटली मेरे लिए जो पानी की बॉटल वो फ्री कर दी। तो डेफिनेटली अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो डू आस्क फॉर फ्री टैप वाटर या रेगुलर वाटर, अनटिल अनलेस आपको कि क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली मिनरल वाटर चाहिए कंज्यूम करने के लिए। मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं एक एक्स्ट्रा इवन सिंगल अमाउंट पे करूँ। इफ़ यू आर अ बैचलर, आप लोग भी देख रहे हो तो एवरी मनी काउंट, तो आप भी नहीं चाहोगे कि मैं अपना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करूँ पानी के लिए, जो चीज़ रेस्टोरेंट वालों को प्रोवाइड करवानी ही चाहिए। तो डू मेक श्योर ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं और अगर किसी रेस्टोरेंट के अंदर कोई आपका सर्विस चार्ज काटता है, मैं सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विस चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो सर्विस चार्ज आप बिल में से हटवा सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं होता है पे करने के लिए। सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सर्विस टैक्स होता है जो आपको
सर्विस टैक्स आपको बेसिकली गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हो, और जो सर्विस चार्ज होता है वो एक तरीके की टिप होती है जो रेस्टोरेंट वाले हमसे चार्ज करते हैं। तो अगर कोई आपसे सर्विस चार्ज करता है तो आपके पास चॉइस होती है कि आप सर्विस चार्ज पे करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो इसे यूज़ करना। सिंस मैं एज अ बैचलर अभी मैं पैसे भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं थोड़ा सा जागरूक रहने की कोशिश करता हूँ, और आप भी कोशिश करेगा कि आप जागरूक रहें इन सारी चीज़ों के ऊपर। अभी रात के 1 बज गए, मैं अभी शूट करने के लिए आया था, बट मेन इशू क्या हो गया कि मैं वायर लेके आना भूल गया हूँ माइक की, तो अभी मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा। मैं फटाफट माइक की वायर लेके आऊँगा तो उसमें 15-20 मिनट मुझे और लगेंगे। फिर उसके बाद मुझे वीडियो शूट करना है, और उसके बाद मेरे को अभी जो व्लॉग है वो सारी की सारी उसकी जो फाइल्स हैं शरण भाई को भेजनी है। फिर उसके बाद वो सेकंड व्लॉग के एडिट पे बैठेंगे, और कल हमारा पहला व्लॉग हम लोग पोस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड व्लॉग अगले दिन, सिमिलर सेंस में। एक दिन हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं व्लॉग पोस्ट करने के लिए, तो क्योंकि सेम डे पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मैं वीडियो को सेम डे पे शूट करके एडिट करके डाल दूँ, क्योंकि और काम के साथ सारी की सारी चीज़ें मेरी थोड़ी सी क्लैश कर रही हैं। अभी मैं फटाफट निकल रहा हूँ और माइक लेके आता हूँ ताकि मैं फटाफट अपनी वीडियो शूट करूँ, और मेरे पास बहुत लिमिटेड 1-1.5 घंटे का टाइम ही बचा है वीडियो शूट करने का, तो वह करके फिर मेरे को फटाफट वापस से निकलना है। तो मिलता हूँ आपको जल्दी। ये अपन लोग आ गए हैं अब फटाक से, मैं वायर भी ले आऊँ सारी की सारी। अब मैं सीधे शूट पे बैठ रहा हूँ, तो इसके बाद मैं अपनी मेन वीडियो शूट करूँगा। और अभी ये अपना लाइटिंग सेटअप है छोटा सा, और ये अपना स्टूडियो है, और अभी हम लोग नया प्रमोशनल वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं एक नया इंस्टाग्राम का पेज बना रहा हूँ, तो जो भी बंदा म्यूज़िक बनवाना चाह रहा है या मिक्स मास्टर करवाना चाहता है बहुत अच्छे रेट्स पे, मैं ऑलरेडी बेसॉलिक्स के साथ काम कर रहा हूँ। वहाँ पे जो रेट्स हैं वो स्लाइटली थोड़े से मिड रेंज में है, बट यहाँ पे मैं जनरली जो ऐसे बंदे हैं जो नए बंदे म्यूज़िक बनाना चाह रहे हैं बट उनका बजट नहीं है, तो उनके लिए मैं एक नया पेज बना रहा हूँ जिसके लिए मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वो लोग बंदे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से भी वीडियो देखते हैं या मेरे मेन पेज पे जाके कोई आता है। तो अब मैं सीधे शूट पे जा रहा हूँ, और इसके बाद फिर मैं शूट करने के बाद निकलूँगा, और कल मेरे को फिर कल आज का फिर दिन अपना ख़त्म है इसके बाद, और आज पूरा कम्प्लीटली चीट डे था। इसके बाद कल अपना वापस हम बैक टू बेसिक्स चले जाएंगे, एवरीथिंग विल बी फॉलोड, और हम लोग वही वर्कआउट एंड एवरीथिंग जो जैसा प्लान है उसी तरीके से चलेगा। कल पॉसिबली मैं चेस्ट करूँगा, चेस्ट और ट्राइसेप्स का मेरा वर्कआउट रहेगा, जैसे मैंने शायद पहले डिस्कस भी किया था, चेस्ट ट्राइसेप्स और एब्स का वर्कआउट, और थोड़ा सा मैं कार्डियो इंक्लूड करूँगा। धीरे धीरे मैं इंक्लूजन कर रहा हूँ कार्डियो का भी, अभी ये ऐसा कोई प्लान नहीं है डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करने का, क्योंकि अभी मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और मैं धीरे धीरे ट्रेन करना चाह रहा हूँ। और कार्डियो एज इन नॉर्मल कार्डियो नहीं, मैं थोड़ा सा स्पीड और एजिलिटी के लिए ट्रेन करूँगा, तो मैं प्रॉपर सिर्फ कार्डियो कार्डियो के पर्पज से नहीं करूँगा बट स्पीड और एजिलिटी ट्रेनिंग के पर्पसेस से भी करूँगा, ताकि मैं अभी मैं बहुत टाइम बाद बास्केटबॉल खेलने गया था, तो रिलेटिवली मैं उस तरीके से एथलेटिक नहीं था, एथलेटिसिज्म मेरा शो नहीं हो रहा था, मैं कोर्ट पे बहुत ज़्यादा स्लो था, मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो था, इवन मैं लेअप भी प्रॉपरली नहीं मार पा रहा था, जंप नहीं थी मेरी बहुत अच्छी, ना स्टे आ पा रहा था। तो उसके रिगार्डिंग अब मैं थोड़ा सा एथलेटिकली अपने आप को भी ट्रेन करूँगा, थोड़ा सा फास्ट ट्विच मसल्स को मैं ट्रेन करूँगा, तो वो जो कार्डियो सेशंस होगा वो थोड़ा सा हैवी रहेगा, तो मेरे को सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, और शायद से मेरे को अब थोड़ी सी कैलरीज इनटेक भी अपना बढ़ाना पड़ेगा कल से। आज का मेरा चीट डे जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, संडे इट्स ओवर, अभी मैं बस फटाफट वीडियो शूट कर रहा हूँ, और दैट विल बी ऑल फॉर द व्लॉग्स नाउ। थैंक यू एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, माई इंस्टा हैंडल इज़ ब्लैंक वाइज मैन। और अभी मैं छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स भी चालू करूँगा 1-1 मिनट के, जो यूट्यूब शॉर्ट्स में, और आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर टाइम।